देखिए, हमारे संविधान को हमने फेडरल सिस्टम को स्वीकार किया है। केंद्र के अधिकारे राज्यों को भी अपने अधिकार हैं। हमारे जहां विपक्षी सरकार है, उस सरकार में मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, उन्होंने अपने विधानसभा में जो कानून पास किए, जो बिल पास किए हैं, जैसे मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी का बिल पास किया है, अलग अलग बिल है जो समाज के हित में है और वो पास करने का राज्यों का अधिकार है। एक एक साल हुए, दो दो साल हुए, वो बिल केंद्र सरकार ने अपने पास रखे हैं और उसको मंजूरी नहीं दी है। जब राज्य सरकार के अधिकारों में जब ये बिल होते हैं, पास होते हैं, तो उसको केंद्र ने तुरंत मंजूरी देनी चाहिए, और इसलिए ये अगर मंजूरी नहीं मिलती राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो ये हमारे फेडरल सिस्टम के साथ एक प्रकार से अटैक है। वैसे भी अनेक जगह पर बार बार ये बातें हो रही है, जैसे लोकायुक्त के निर्णय के बाद पहले ये बात प्रोविजन की गई है। मैं कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स या कैबिनेट जब सिफारिश करती है, उन नामों में से फिर वो कमेटी तय करती है जिसमें गवर्नर साहब रहते हैं। अभी धीरे धीरे अगर राज्य के अधिकारों का अगर हनन होगा, तो लोकतंत्र का जो स्पिरिट है उसमें कमी आएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि संविधान में जो है उसके आधार पर आगे हम जाएंगे तो ठीक होगा। जैसे हमारे संविधान में है कि मजहब के आधार पर जो आरक्षण है, ये संविधान को मान्य नहीं है। इसके लिए संविधान समिति में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने लिखित रूप में कहा है और वो सब रिकॉर्ड उपलब्ध है कि मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। इसके बावजूद भी संविधान के खिलाफ जाकर केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए अगर ऐसे निर्णय होंगे, तो निश्चित रूप से ये निर्णय हमारे समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, OBC है, शेड्यूल कास्ट है, उनके ऊपर अन्याय करने वाले होंगे। क्योंकि 50% के ऊपर आरक्षण जा नहीं सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, और अगर इस प्रकार का मजहब के आधार पर अगर आरक्षण देना मान्य हुआ, तो 50% जो आज मिल रहा है उन्हीं लोगों का कम करना होगा, और ये सामाजिक अन्याय होगा, ये नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें जो केंद्र सरकार ने विशेष रूप से संविधान का ध्यान रखकर निर्णय करने चाहिए। संविधान के बाद जो है, जो कानून है, उसको उसके तरफ ध्यान न देकर जो निर्णय करना, ये देश के लिए उचित नहीं होगा। डॉक्टर जी, एक सवाल है कि जब भी BJP में कोई काम, देखिए, मैं आज प्रजासत्ताक हमारा दिन है और मैं मानता हूँ कि हमारे देश के स्वाधीनता के इतिहास का ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम लोग सब मिलकर देश में आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े, और मैं ये मानता हूँ कि आज हम संकल्प करें कि हमारे देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करें और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करने के लिए सभी जात, पंथ, धर्म, भाषा के सभी लोग, जो भारतीय है, जो हिंदुस्तानी है, वो सब मिलकर काम करें और उसका संकल्प करें। यही मेरी आज सबसे अनुरोध है। मैं प्रजासत्ताक दिन के उपलक्ष्य में पूरे देश को फिर बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। नमस्कार।